लोग जो है अदर जो लोग हैं वो भर में जाल में फंसे हुए हैं। 19 लाख मतदाता है, 18 लाख 96,512 10 लाख वोट पोलो में हमें 4.5 लाख वोट मिलेगा, इसमें कहीं एक विधानसभा चुनाव जीते जो 30,000 से अधिक मत का होगा और हम 6 विधानसभा। लेकिन ये जो आंकड़ा है रंजन जी आप दे रहे हैं 4.5 लाख वोट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है? जब आप ही ये कह रहे हैं 18 लाख 19 लाख लगभग वोट है और उसमें मान के चलिए 52% अगर वोटिंग होता है तो आप 4.5 लाख वोट तीर छाप पर बटन दबाया। लेकिन एक नारा तो ये भी चल रहा था 399+1, तो क्या ये नारा काम नहीं किया? जो मोदी का उम्मीदवार है ऑथेंटिक उम्मीदवार है वही इसी को ना वोट भोटेंगे, कोई नारा दे देगा तो शुरू हो जाएगा, कम बेस के अंतर से जीतेंगे। आपके समुदाय के लोगों ने जो वादा किया था हिना साहब से कि हम सावधिन का कर्ज चुका रहे हैं, आप ही के समुदाय में देखिए स्पष्ट जान जाइए, सिवान में 10 लाख लगभग वोट पोल हुआ है, 4.5 लाख वोट मुझे प्राप्त हुए हैं, एनडीए प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं, बाकी लोग भी बता दीजिए, बाकी लोग आपको निर्दलीय प्रत्याशी हिना मैडम को 3.5-3 में जाएंगी, 3.5 तक। बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने सिवान। सरदर्द, मिर्गी, नशा, भूलने की बीमारी, अत्यधिक गुस्सा आना, घबराहट एवं नस की समस्याओं से अगर आप भी हैं परेशान तो मिलिए शहर के मशहूर साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता से। हमारा पता है डॉक्टर्स रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी बहड़िया रोड सिवान। संपर्क नंबर 85399-43151। लोकसभा में छठे चरण का जो सिवान का चुनाव है वो खत्म हो चुका है और अब सभी की निगाह टिकी है 4 जून पे। 4 जून को जब गिनती होगी वोटों की तो ही ये तय हो पाएगा कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है और किसे सिवान की सांसद बना रही है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव खत्म हुआ है उसके बाद से ही लगातार अलग अलग जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या जो उनका कार्यालय है आप जाके देखिए वहाँ पे चर्चा यही चल रहा है कि आखिर कौन जीत रहा है और कितने वोटों से जीत रहा है। आप किसी चाय के दुकान पर जाइए तो वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ भी यही चर्चा छिड़ी है कि कौन जीत रहा है, किससे कितना वोट मिलेगा, कौन कितने वोटों से जीतेगा। और इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे साथ अनुरंजन मिश्रा जी हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। अब इनसे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और ये क्या सोचते हैं, क्या इनके अनुसार कौन चुनाव जीत रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। बहुत स्वागत है अनुरंजन जी, आपका भी आपके स्टूडियो में स्वागत है। कहें स्टूडियो में जी जी और यहाँ पहुँचे हैं तो स्वागत है। क्या लग रहा है अनुरंजन जी, चूँकि चुनाव तो अब खत्म हो गया, बहुत भाग दौड़ रहा है, 1.5 से 2 महीना कंटिन्यू आप लोगों ने भी भाग दौड़ किया, क्या हो रहा है? देखिए स्पष्ट है सिवान का मतादेश स्पष्ट है, जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। सिवान की जनता जो है नरेंद्र मोदी की पक्ष में मतदान कर चुकी है। ये नारा काम किया है आपको लग रहा है? 100% नारा काम किया है। सभी लोग जो है अदर जो लोग हैं वो भर में जाल में फंसे हुए हैं। 19 लाख मतदाता है, 18 लाख 96,512 समथिंग 19 लाख मतदाता है, 52% वोट पोल हुआ है, करीब 10 लाख के करीब वोट पोलिंग हुए, 99,000 करीब वोट पोल हुए, 10 लाख के करीब वोट पोलिंग हुआ है। इस 10 लाख वोट पोलों में हमें 4.5 लाख वोट मिलेगा, इसमें कहीं इफ बट किंतु परंतु नहीं है, 4.5 लाख वोटों की दावा कर रहे हैं और हम सिवान लोकसभा के सभी विधानसभाओं से चुनाव जीतेंगे जी। और इस बार बहड़िया विधानसभा मेरा 1 नंबर होगा, सबसे अधिक मतों से वो चुनाव जीतेंगे हमारे एनडीए प्रत्याशी लक्ष्मी जी, तो वह बहड़िया विधानसभा चुनाव जीतेंगे जो 30,000 से अधिक मत का होगा और हम 6 विधानसभाओं। लेकिन ये जो आंकड़ा है रंजन जी आप दे रहे हैं 4.5 लाख वोट, ये कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है? जब आप ही ये कह रहे हैं 18 लाख 19 लाख लगभग वोट है और उसमें मान के चलिए 52% अगर वोटिंग होता है तो आप 4.5 लाख लेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? देखिए सिवान की लड़ाई जो है आप लोग जो है ट्रेंगल बनाने के प्रयास किए लेकिन जनता बहुत सजग है, बुद्धिजीवी जनता है। कल तक कुछ सवर्ण की हवाएं चल रही थी, कुछ लोग फेसबुक व्हाट्सएप पर उड़ा रहे थे लेकिन मतदान के दिन जाने के बाद बूथ पर जाने के बाद सभी स्वर्ण जो भटक गए थे घर वापसी कर गए और सभी ने अपने नेता मंगल पांडे के आग्रह को स्वीकारा और मंगल पांडे के आग्रह को स्वीकारने के बाद नरेंद्र मोदी पर आस्था विश्वास व्यक्त किया और विजयलक्ष्मी कुशवाहा को तीर छाप पर बटन दबाया। लेकिन एक नारा तो ये भी चल रहा था 399+1,
तो क्या ये नारा काम नहीं किया? जो मोदी का उम्मीदवार है, ऑथेंटिक उम्मीदवार है, वही उसी को ना वोट लोग वोटेंगे। कोई नारा दे देगा तो शुरू हो जाएगा क्या? और जो लोग भगवा पहन के, जो लोग भगवा के लोग, कई लोग ये भी बोल रहे थे और ये वीडियो भी हम लोग पास, आप ही के समुदाय के लोग बोल रहे थे हम लोग केंद्र में मोदी जी को लाएंगे लेकिन सिवान में एक अलग से गिफ्ट देंगे। देखिए अब बोलना चलना की बात खत्म हो गई है, अब मतदान ईवीएम जो है कैद हो गया है। और जो उसी लोग बोल रहे थे जो पूर्व में भी उनके साथ थे, साहब के साथ थे, शहाबुद्दीन साहब के साथ थे, और जब आप ये कहना चाहते हैं जो पूर्व में लोग थे वही अब नया कुछ नहीं हुआ, नया कुछ नहीं हुआ है क्योंकि उनका जनरेशन बढ़ा है, लेकिन उनके नौजवान बढ़े। लेकिन मनोरंजन जी हमको लग रहा है कि जिस चीज के लिए हम लोग बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं वो जनता देख रही है, कहीं ना कहीं आपके भी बात आप भी पकड़े जाएंगे अगर इस तरह के रिजल्ट नहीं पकड़े जाएंगे। 4.5 लाख प्लस एनडीए प्रत्याशी भी लक्ष्मी कुशवाहा को मत मिलेगा। हम बढ़िया विधानसभा से पार्टी के संयोजक हैं और हम लोग जो है बढ़िया विधानसभा से 30,000 प्लस से जितवा कर भेजेंगे। सिवान के 6 विधानसभाओं से कम बेस के अंतर से जीतेंगे। आपके समुदाय के लोगों ने जो वादा किया था हिना साहब से कि हम शहाबुद्दीन के कर चुका रहे हैं, आप ही के समुदाय के लोग, क्या रामाकांत पाठक के बेटे की हत्या के ब्राह्मण समुदाय भूल जाएगा जी? सुधीर पांडे की हत्या भूल जाएगा? जोगिंदर पांडे की हत्या भूल जाएगा? सिवान के इतिहास को ब्राह्मण कभी नहीं भूलता है। और ब्राह्मण जो है राष्ट्रवादी होता है, वह राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, वह पुरोहित होता है, वह जजमान के लिए समर्पित होता है। तो विजयलक्ष्मी कुशवाहा क्या सत्यनारायण भगवान कथा बांटने जाएगा? सामने आके मारुत का में ब्राह्मण जाएगा नहीं, तो फिर सामने आके क्यों ब्राह्मण समुदाय ये कह रहा था बार बार? कौन कह रहा था? वीडियो लगातार चला, वही लोग कह रहे थे जो पूर्व में भी थे जी। वही इनका जनरेशन बढ़ गया, कुछ फर्जी बातें फेसबुक पर जो है फर्जी आईडी बन गया, एकदम जान जाइए सब अफवाहें था। और जो आखिरी समय में जो बंटी सिंह आ गए, अजय सिंह के भाई आ गए, इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा? कुछ नहीं पड़ा है, किसी के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सिवान की जनता सजग है, सिवान की जनता बुद्धिमान है और सिवान की जनता नरेंद्र मोदी को अपना मानती है। वह कलयुग के भगवान हैं और स्पष्ट कर जो राम को लाए उन्हीं को लाएंगे, जो धारा 370 समाप्त किए हैं हम उनको लाएंगे। अभी तो जो है कश्मीर जो है पाकिस्तान अधिकृत है उसको हमको लेना है, तो उसके लिए हमको तीर पर बटन दबाना होगा। तब तो अभी तो बहुत सारा मुद्दाएं हैं जो ऐतिहासिक होगा तीसरा काल नरेंद्र मोदी जी का। मतलब एक बात बताइए, घर के चूल्हे में मतलब तवे पे रोटी हो या ना हो लेकिन पाकिस्तान को देखेंगे पहले हम लोग। भैया किसका रोटी नहीं है? प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना चलाया, हर गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया, कोरोना का वैक्सीन गरीब अमीर सबको दिया, घर गरीबों को घर दिया, शौचालय दिया, उसी वैक्सीन से लेकर लोग मर भी तो रहे। सब हवा है, मैंने चुनाव के समय लोग मर रहा था, वैक्सीन लगा 2020 में, 4 साल बीत गया, 4 साल उसका प्रभाव आता है क्या? सब चुनाव में अफवाह, कांग्रेस का प्रबंधन तो नहीं, कंपनी तो कबूल किया ना। देखिए स्पष्ट जान जाइए, सिवान में 10 लाख लगभग वोट पोल हुआ है, 4.5 लाख वोट मुझे प्राप्त हुए हैं, एनडीए प्रत्याशी को प्राप्त हुए हैं। बाकी लोग भी बता दीजिए, बाकी लोग आपको निर्दलीय प्रत्याशी हिना मैडम को 3.5 में जाएंगी, 3.5 तक भी जाएंगे, 3.5 और 4.5 तो ये तो 8 लाख हो गया, बाकी दूसरे के वोट कहाँ मिला है? और दर चौधरी जी का तो 1.25 लाख पियाने में उनको आनी आ जाएगा, क्योंकि यादव समाज जो है वो राष्ट्रवादी होता है, वो प्योर हिंदू होता है। जब देखा कि राष्ट्रवाद की बात है, राम खिलाने की बात है, सब हमको वोट देना शुरू कर दिए। हमारे क्षेत्र में तो यादव भी वोट मुझे मिला है, बढ़िया विधानसभा में बूथ देखिएगा, यादवों का बूथ देखिएगा, अब रानीपुर जाकर बूथ देखिएगा, वोट देखिएगा, उस दिन रानीपुर में मुझे वोट मिला है जो अदर चौधरी जी का बहनौरा है, माननीय विधानसभा पूर्व अध्यक्ष जी का बहनौरा है, वहाँ वोट मुझे मिला है। बेरे गांव बरहड़िया में यादव जो मुझे वोट दिए हैं, देखिए यहाँ कुछ नहीं तो है, मतलब आर पार की लड़ाई। तो यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 8 लाख वोट ये लोग ले लेंगे और बाकी के जो लोग हैं बहुजन समाजवादी पार्टी किसी को कुछ नहीं मिला, 2004 जो इतना मेहनत कर रहे थे, सभी लोग 1 लाख के नीचे, 70-80 हजार में जितने अदर लोग लड़े हैं, चाहे कोई लड़ा है, नोटा वोटा सब मिलाकर 1 लाख के नीचे रहेगा। और 1 लाख और बिहारी 1 से 1.5 लाख बीच में रहेंगे, 1.25 लाख 1.5 लाख बीच में जाएंगे, 1.5 से ऊपर नहीं आ सकते हैं। कौन उनका लगे बेस क्या है जाने के लिए? चूंकि हिना मैडम के पास एक मुस्लिम समाज का बेस है, तो मुस्लिम समाज का 2 लाख पोलिंग हुआ है, हो सकता है 80-90 उनका बेसिंग हो। और जो कुछ सवर्ण जो है पिछला बार भी वोट उनको दिए थे, उनका वोट बढ़ा है, 2 वोट है। ऐसे भी स्वर्ण वोटर है जिन्होंने ये कहा है कि हमने अपने लाइफ में पहली बार बीजेपी आपसे कहे होंगे, सभी सवर्ण जो है घर वापसी कर गए हैं, सभी लोग मतदान किए हैं एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी को,
सभी तीर को मतदान किया, आप देखिएगा। जब आप लोग बात करते हैं तो ये घर वापसी, ये पाकिस्तान, ये कश्मीर, ये मुसलमान, मतलब ये जरूरी है क्या ये बात करने के लिए, डिबेट करने के लिए? बात नहीं, देखिए जो भटक गए थे, गुमराह हो गए थे सभी लोग, जब देखा कि भाई सिवान के अंदर अमन चैन शांति कौन देगा, सिवान के अंदर भाईचारगी कौन देगा, सिवान के अंदर विकास कौन करेगा, तो लोगों को लगा कि नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। क्या विकास किया उन्होंने? क्या विकास किया? सिवान में मेडिकल कॉलेज मंगल पांडे ने बनवाया, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए, आपको जो अंग्रेजों के जमाने का स्वास्थ्य अस्पताल था मंगल पांडे ने बनवाया, जच्चा बच्चा अस्पताल बन रहा है, महाराजगंज में जीत एम कॉलेज बना, मेरे यहाँ प्रहरिया जो है प्राथमिक से रेफरल हो गया, कौन काम नहीं हुआ है आपको, बाईपास जो राम जानकी पथ है ये बना, जब पथ निर्माण मंत्री थे तो राजेंद्र पथ बना, सिवान में कौन सा काम नहीं हुआ? सबसे बड़ा चाहे अमन चैन शांति है, ये नीतीश कुमार जब पलट गए थे, सुनिए नीतीश कुमार जब पलट गए थे तो यही बेरा बढ़िया बाजार, रोज गोली चलती थी, रोज राजधानी बनाया था, नई दिन हत्या होती थी। मतलब ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आते हैं सब शांत हो जाता है, और जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा से अलग होता है गोली चलने लगता है? देखिए राजद का मतलब होता है जंगल राज, क्राइम क्रिमिनल का पार्टी जी, राजद का मतलब होता है जंगल राज क्रिमिनल की पार्टी। जैसे ही राजद के साथ गठबंधन किसी का होता है, अपराधियों का मनोबल हाई हो जाता है, अपराधी निकल जाते हैं अपने मान। आज गोली क्यों चला? तो बीजेपी और जदयू साथ है। नहीं देखिए अपराध तो सतयुग में भी होता था, अपराध को कोई रुका नहीं, तभी थाना है, बीमार होगा तभी तो इलाज, तो कह रहे सुनिए ना, बीमार पड़ेंगे तभी डॉक्टर होंगे, अब कहेंगे डॉक्टर अस्पताल में क्या काम है, थाना क्या नहीं बनाया गया, अपराध है तभी थाना है, अपराध तो सब युग में होता था, छोटा मोटा अपराध हुआ कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। आप ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा जैसे आती है अपराध थम जाता है? देखिए मेरे यहाँ रोज हम लोग तो परेशान हो गए थे, रोज मेरे यहाँ कोई ना कोई व्यवसाय समझता था, रंगदानी मांगा गया नहीं, गोली चल गया, लोग बढ़िया बाजार आना बंद कर दिए थे, कब किसके दुकान पर गोली चल जाए, कब किसे रंगदानी मांगा जाना सुन रखे। देखिए राजद का मतलब होता है अपराध का शासन, क्या तो राजद को नकार दिया है ना भाई, जंगल राज नहीं चाहिए, और राजद से निकली है मैडम, क्या उसी आतंक उसी अपराध उसी प्रयास, क्या सिवान के लोग मुन्ना चौधरी को भूल जाएगा जिंदे चिमनी में झोंक दिया गया, क्या सिवान के लोग जो चंदा बाबू के बेटे को भूल जाएगा? आखिरी सवाल आपसे ये करते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं सिवान के, क्या लग रहा है? जैसे आप तो खैर गिनवा रहे कि बहुत सारे जब विकास हुए हैं, लेकिन इसके अलावा कई मुद्दे जैसे शिशुवन ढाला का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, और इस चुनाव में एक चीज और उठा था, एक मांग और उठी थी जिसमें लोग विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे कि सिवान में एक बेहतर विश्वविद्यालय हो, मतलब क्या लग रहा है वाकई अभी ये चीज नजर में? जो भी मुद्दा उठा जी, सिवान की लड़ाई सबसे पहले थी अमन चैन शांति और भाईचारा की, विकास तभी होगा जब सिवान भाई अमन चैन शांति करती है। अरे मैं किस भाईचारा की बात, उन्होंने कहा सब भाईचारा की बात, सब रंग हमारे हैं, मगर जब कहने से हो जाएगा, जो लोग पहले भगवा भागते थे, लाल कपड़ा देकर सांप भागता था, यही लोग है भगवा को आतंक कहते थे भागते थे, और आज भगवा प्रिय हो गया। देखिए इसी को कहते हैं राम राज, मैंने प्रधानमंत्री ने कहा कि राम राज आ गया है, यही राम राज है कि सभी लोग भगवामय हो गया, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो। आज एक चीज और अभी याद आ गया तो पूछ ले रहे हैं आपसे, 399+1 की लोग बात कर रहे थे, लेकिन जब मोदी जी आए तो जिस कलर का जैकेट पहने थे वो हेना साहब के गमछे से मैच कर रहा था, ये सब क्या कोई मैसेज था? ना, 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 इस तरह की बातें चल रही थी, सब बकवास है, सब फेसबुकिया बकवास है। और आप देखिएगा कि हिना साहब 3 बार हार चुकी हैं, चौथी बार हार का सामना करेंगी, और विजयलक्ष्मी कुशवाहा जीत चुकी हैं, जो कहीं ये बट चुकी है, हर बूथ हर गांव हर वोटर हम लोग को फोन कर रहा है कि भाई हम लोगों ने 3 को वोट दिया है, 3 नंबर पर जाकर बटन दबाया, और देखा मैंने उत्साह भी देखा, उत्साह भी देखा। और मैं जिला प्रशासन को, DM साहब, SP साहब को, SDO साहब को, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ कि इस बार जो चुनाव हुआ है बहुत ढंग से पूरी निष्पक्षता से चुनाव हुआ है। मैं खासकर DM साहब और SP साहब को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जो चुनाव हुआ इस बार आपने भी देखा होगा, मैं ढंग का मैनेजिंग था, हर बूथ पर कहीं जो है मैंने क्या कहते हैं मनमुटाव नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान तो खत्म हो गया है, और हर कार्यकर्ता हो या नेता हो या आम जनता हो, हर आदमी के पास एक उसका अपना आंकड़ा है। इसके पहले जो अभी इंटरव्यू हमने आपको दिखाया था जावेद अली जी का, उन्होंने कहा था, ये दावा किया था कि 4 लाख वोट हेना साहब को मिल रहा है और 3 लाख वोट जो है NDA उम्मीदवार को मिल रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल विपरीत अनुरंजन मिश्रा ने दावा किया है कि 4.5 लाख वोट NDA को मिलने जा रहा है और 3 से 3.5 लाख बीच हेना साहब को वोट मिलने जा रहा है। भाई इनके अनुसार अवध बिहारी चौधरी दूर दूर तक लड़ाई में कहीं नहीं है, हालांकि 4 तारीख को जब वोटों की गिनती होगी
तो ये आंकड़ा भी साफ हो जाएगा और बिल्कुल तय हो जाएगा उस दिन सिवान का सांसद लोगों ने किस